गार्डनिंग विद प्लेजर में आपको खुश आमदीद। यह है जी तुरई की बेल और ये एज़ यूजुअल हर साल हमारे यहाँ खुद ही ज़मीन से देखिए ग्रो कर जाती है और हम इसके सीड्स नहीं डालते कि मार्केट से सीड्स लाएं फिर उगाएं, और उगाने की जहमत भी नहीं होती, खुद बखुद ये ग्रो कर जाती है। ये देखिए और इसमें बहुत अच्छी मतलब घर की हमारी जो तोरियाँ हैं वो लगती हैं। और ये अभी तो ये हुआ है कि थोड़ा सा बोगनवेलिया ने इसको कवर कर लिया है, तो दिख तो रही है मुझे, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इसको ज़मीन से दिखाऊं कि ये क्यारी में लगी हुई है। और क्यारी में लगी हुई भी दाएं बाएं बेतहाशा इसके प्लांट्स हैं, लेकिन चूंकि इसके ये हम सीड्स वगैरह जो लगाते नहीं हैं इसलिए ये आराम से ग्रो करती रहती है। तो ये देखिए जी ये ज़मीन से है। अब ये मैं इसका थोड़ा ऊपर से दिखाऊँ आपको व्यू, ये एक नहीं है, ये काफ़ी सारी हैं, एक के साथ एक, एक के साथ एक ढेर लगी हुई है। तो अब ये मैंने बोगन वेली दिख रहा है जी, अब ये तोरी रहा ये हमारे, हम हर सीज़न में अपने घर की तोरियां खाते हैं, कभी मार्केट से नहीं लेते। ये एक ये आ गई और ये आ गई है जी, और अब उधर जाएंगे हम, अब दूसरी तोरी हम तोड़ने लगे हैं। तो ये जनाब हाथ गौर कीजिए, मुझे नज़र भी आए, नज़र ही नहीं आ रही है आपकी तोरी, तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये कटिंग कर रहे हैं जी। इसी तरह से होता है जब हम कटिंग करने लगते हैं तो कुछ इस एंगल से होता है, क्योंकि थोड़ी हाइट पर थी तो ये हाइट से ये जनाब एक और ले आए हैं। इस तरह से ये तीन जो हैं यहाँ से हमारी, अब हमारे साथ मसला ये है कि हमारे घर में कुछ इस तरह से है कि ये कहीं नीम ट्री है, कहीं कड़ी पत्ता है, कहीं बोगनवेलिया है, और ये जो है बोगनवेलिया में छुपी हुई होती हैं, तो छोटी छोटी इतनी ज़्यादा नज़र भी नहीं आती, लेकिन ये कि बहुत गौर करना पड़ता है तो फिर नज़र आती हैं। तो इस तरह से हम लोग इतनी तोड़ लेते हैं कि हमारा एक टाइम मज़े से गुजर जाता है। मार्केट की तो मुझे टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता, शायद वह घर का टेस्ट जो होता है फ्रेश का वो डेवलप हो गया है। एक ये वाली भी लगी हुई है देखिए, ये भी क्यारी में ही लगी हुई हैं और ढेर सारी है। अभी जब ये बोगनवेलिया के अंदर जाती हैं तो थोड़ा सा छुप सी जाती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे ये तोरी की जो बेल की वीडियो है और ये मेरे घर की तोरियां हैं ये आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा एक के साथ देखिए कितनी सारी हो जाती हैं, दो तीन बगैर लगाए खुद रो की तरह। तो अब मुझे इजाज़त के साथ साथ आपसे मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी कि आप भी इसको लगा सकते हैं। तोरी का ऐसा है कि अगर ये इस तरह से बाढ़ के अंदर सूख भी जाए तो उसकी फ़िक्र हम लोग नहीं करते कि उसके सीड्स बन जाते हैं, कोई अगर मांगे तो उसे दे दिया जाता है। तो आप अगर चाहें तो छोटे से स्पेस में सहन है या क्यारी है छोटी सी, जैसे कि ये मेरी साइड में क्यारियां हैं, इनमें खुद ब खुद ये ग्रो कर गई। इस तरह आप भी चाहें तो दो चार सीड्स डाल सकते हैं और ये ना सिर्फ ग्रो करती है बल्कि फल भी ज़्यादा देती है। तोरी एक वाहिद वेजिटेबल है मेरे घर का जिसे मैं बहुत पसंद कर